नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि चाइना का सुखोई 35 इसको ताइवान और यूएसए के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिलकर उड़ा दिया है। अब निश्चित तौर पर चीन बैकफुट पर है और यह जरूर कहेगा कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी या ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल केस है और दूसरी तरफ इसे ताइवान ने नहीं उड़ाया, ना ही यूएसए ने उड़ाया। लेकिन जो असली खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। ऑफिशियली चाइना इस पर कभी हामी नहीं भरेगा और वो यही कहता रहेगा, क्योंकि अगर वो ये कहेगा कि ये उड़ा दिया गया है दुश्मन की तरफ से तो निश्चित तौर पर हार मानता हुआ नजर आएगा और चाइना कभी भी इस तरह से अपने आप को सरेआम बेइज्जत होता हुआ नहीं देख सकता है। तो निश्चित तौर पर इस वक्त पे जो बड़ा झटका लगा है, एक तरफ से भारत से वो घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से रशिया में क्या हो रहा है आपको पता है कि उनके रक्षा मंत्री हमारे रक्षा मंत्री से बीती रात कह चुके हैं कि मुलाकात करनी है। ये बीते 4 महीनों में तीसरी बार है जब रशिया के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि हमें बात करनी है, या चीन बार बार भारत से बात करने की कोशिश कर रहा है। 4 दिन से लगातार हमारे दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत हो रही है, यानी चीन एक तो वहां पर भी बैकफुट पर था क्योंकि भारत ऐसी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर चुका है जहां से अब जो बढ़त है, जो टैक्टिकल लीड है वो भारत के पास है। दूसरी तरफ अब इस खबर का आना कि उनके Su-35 को जो एयर डिफेंस सिस्टम है यूएसए के, क्योंकि आप देखिए यूएसए बहुत स्ट्रैटेजिकली प्ले कर रहा है यहां पे, साउथ चाइना सी पे नजर रखी हुई है यूएसए ने। माइक पोम्पियो जो उनके विदेश मंत्री है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चाइना को अनअधिकृत जगह, यानी अनऑफिशियल जिस लैंड को वो अपना कहने की कोशिश कर रहा है, जिसको वो कैप्चर करना चाहता है, हम किसी भी हालत में नहीं देने देंगे। इसीलिए डियागो गार्सिया जो हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में जो एक एयरबेस है यूएसए का, वहां पर उसने दुनिया के सबसे आधुनिक, सबसे तेज, सबसे महंगे विमान, ऐसे विमान जिनकी एक की कीमत में 9 रफाल खरीदे जा सकते हैं, वो विमान डियागो गार्सिया में खड़े कर रखे हैं। B-2 बॉम्बर्स जिन्हें कहा जाता है, जो कैसे जाएंगे तबाह कर देंगे और चीन को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो उनके रडार है, वो बिल्कुल भी ट्रैक नहीं होते हैं, वो बहुत आधुनिक है। तो ऐसे में एक तरफ यूएसए ने B-2 बॉम्बर्स तैनात कर रखे हैं, दूसरी तरफ ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना को बहुत बड़ा झटका दे चुका है, इस तरफ से भारत खड़ा हुआ है। और इसके अलावा भी जिस तरह से जो क्वाड एक्सरसाइज होनी है, आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि रशिया के साथ भारत की नेवी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है बे ऑफ बंगाल में। इसके अलावा जो क्वाड की नेवी एक्सरसाइज होनी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें जापान है, जिसमें भारत है और निश्चित तौर पर इन, और जिसमें यूएसए है निश्चित तौर पर, तो ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको याद होगा बीते कुछ दिनों में जो मलक्का स्ट्रेट था, वहाँ पर किस तरह से यूएस ने अपना जो यूएसएस निमित्ज था, जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो दुनिया के सबसे आधुनिक और सबसे विशाल का एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से है, जिसमें विमान आकर लैंड कर जाते हैं और वो एक चलता हुआ एयरपोर्ट है, उसे आप एक समंदर में चलता हुआ तैरता हुआ एयरपोर्ट मान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि स्ट्रैटेजिकली बहुत शानदार तरीके से प्ले किया है यूएस ए ने, और इसके साथ साथ ताइवान ने उनके Su-35 को उड़ा दिया है। याद रखिएगा, चीन इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देगा, यही कहेगा कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि चीन के Su-35 को यूएसए और ताइवान ने उड़ा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।